आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस निर्माता सूर्य। जैसे कि आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लेंस निर्माता सूर्य। तो आज हम आपके साथ इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लेंस निर्माता सूत्र के लिए एक छोटा सा डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है। ये एक लेंस है और इस तरह का डायग्राम, यहाँ पे ओ कोई एक वस्तु है जो यहाँ से चलती है तो यहाँ पे ए बी पृष्ठ पे टकरा के यहाँ आ जाती है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, आई वी बनता है और आई वन पे बनता है। तो जो इसकी थ्योरी है मतलब इसकी रचना है, चलिए हम उसको देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो ओ कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर है, जो यहाँ पे है ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष पे है। आई पर एक प्रतिबिंब है, आई वन पे एक प्रतिबिंब है जो इसका बन रहा है, आई वन पे प्रतिबिंब जो पृष्ठ ए बी द्वारा बनता है, इस पृष्ठ द्वारा यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है। और I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, जैसे यहाँ पे O AB के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है वैसे ही I1 जो है CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। और आवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, जब आवर्तन होता है इससे तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो हमारा I पे बनता है, यहाँ पे हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है। आगे माना लेंस से वस्तु ओ तक की दूरी जो है प्रतिबिंब आई वन की दूरी भी वन तथा प्रतिबिंब आई की दूरी भी है। जैसे यहाँ देखा है जो मुख पे वस्तु हमारा एक ओ है उससे हमारी यू दूरी भी है लेंस से, यहाँ पे आई से भी और यहाँ से भी वन ऐसा हो गया। तो आगे पृष्ठ ए बी द्वारा ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, पृष्ठ ए बी द्वारा यहाँ पे पृष्ठ ए बी द्वारा ओ का प्रतिबिंब आई वन पर बनता है, मतलब यहाँ बनता है। तो अवर्तन के सूत्र से होगा, यहाँ पे अवर्तन हो रहा है तो अवर्तन के सूत्र से, तो म्यू अपान वी वन माइनस वन अपान यू इसकल टू म्यू माइनस वन अपान आर वन, ये हमारा समीकरण नंबर एक हो गया। म्यू जो है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, जो लेंस यहाँ पे लगा हुआ है इस कंडीशन में तो उस पर अपवर्तनांक काम करता है, उसका पदार्थ अपवर्तनांक है म्यू। ऐसे ही हम पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, दूसरे पृष्ठ द्वारा आई वन का प्रतिबिंब आई पर बनता है अपवर्तन के सूत्र से, वन अपान म्यू अपान वी वन माइनस वन अपान बी इसकल टू वन अपान म्यू माइनस वन अपान आर टू, ये हमारा समीकरण नंबर दो हो गया। ये पहले पृष्ठ से हो गया, ये दूसरे पृष्ठ से हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप वहाँ पे देखे होंगे म्यू का हो गया वन अपान म्यू, तो म्यू इसकल टू वन अपान म्यू क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब सघन माध्यम मतलब कांच से विरल माध्यम मतलब हवा में प्रवेश करती है, हवा में जाती है, इसलिए म्यू इसकल टू वन अपान म्यू। अभी अब समीकरण दो को म्यू से गुणा करने पर समीकरण नंबर जो हमारा दो आया है उसको हम म्यू से इंटू कर देंगे, ये समीकरण नंबर जो हमारा दो आया है ये, तो हम इंटू कर देंगे म्यू, क्या आएगा हमारा वन अपान भी माइनस म्यू अपान भी वन इसकल टू वन माइनस म्यू अपान आर टू, ये हमारा समीकरण नंबर तीन हो गया। अब समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण एक और तीन को जोड़ने पर, तो वन अपान भी माइनस वन अपान यू इसकल टू, हमने डायरेक्ट कर दिया, आप अलग से भी मतलब थोड़ा सा लिख के कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो कोष्टक पे म्यू माइनस वन फिर कोष्टक वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, ये हमारा समीकरण नंबर चार हो गया। अब और यदि यू इसकल टू इन्फिनिटी हो तो भी इसकल टू यफ अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसलिए भी इसकल टू यफ वन अपान एफ माइनस वन अपान इन्फिनिटी इसकल टू म्यू माइनस वन कोष्टक पे वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, जो हमारा लेंस सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा वन अपान एफ इसकल टू
कोष्टक में म्यू माइनस वन इंटू कोष्टक में वन अपार आर वन माइनस वन अपार आर टू, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। तो ऐसे हम किसी भी लेंस का सूत्र निकाल सकते हैं और इसी सूत्र से हम कई मान भी निकाल सकते हैं लेंस के लिए कि हमारा लेंस निर्माता सूत्र था। तो इस टॉपिक के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि इस टॉपिक पे आप डिस्कस कीजिए, तो मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया। अगर आपको कोई और भी टॉपिक से डिस्कशन चाहिए था तो बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।